हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एस के बी पार्ट टू, आईपी सब्जेक्ट, 24th लेक्चर हमारा एसक्यूएल कमांड्स। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था, तो आई थिंक आपको पता होगा, अभी तक याद होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो थी उसको पहले SQL के नाम से ही जाना जाता था। SQL के नाम से जाना जाता था सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, जो IBM के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, जिसको EF कोड ने डेवलप किया है। 1970 से ये शुरू हुआ है, जो जिसमें SQL की प्रोग्रामिंग करी जा रही है। SQL के बारे में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी जिसमें इसको कमांड्स के द्वारा यूज किया जाता है, जिसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दैट मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा हैवी डाटाबेस हो, बहुत बड़ा डाटाबेस हो, वहाँ पे ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव साबित होती है। जिस तरह से बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, या IRDC की हमने एग्जांपल ले ली थी कि IRDC में रेलवे में आपने जा रहे हैं तो आपको डाटाबेस में से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, तो किस तरह से आप रेलवे सर्च होती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे निकलेगी, किस समय जाएगी। तो अगर आप इसके अलावा डाटाबेस कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा डाटाबेस होता है। अगर आपके पास 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम का, आप क्या करते हैं, आपके पास एक विंडो आती है, ओनली एंटर योर रोल नंबर। इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो वहाँ पे पहले रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, दो तीन चीजें डालनी पड़ती थी, तो आपका डाटा एक्सट्रैक्ट होता था। मान लो आपको इग्नो में आपकी कोई एडमिशन हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आप क्या करना चाहते हैं, अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं अपनी एडमिशन, तो आपको वहाँ पे अपना नाम एंटर करना पड़ता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद कौन सा प्रोग्राम कोड है। तो पूरे के पूरे डाटाबेस में वो सर्च होता है कि इस नाम से, इस डेट ऑफ बर्थ से क्या कोई पर्सन है जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पूरे के पूरे डाटाबेस में से पूरे इंडिया में कितनी सारे बच्चे होंगे जो इग्नो में एनरोल्ड होंगे, उस डाटाबेस में से एक्सट्रैक्ट होकर डाटा हमें मिल रहा है। वो डाटा हमेशा हमें दिखेगा जो टेबल्स फॉर्म में होगा। टेबल फॉर्म में हम उस डाटा को देखेंगे। अब टेबल फॉर्म में किस तरह से देखते हो आप, जिस तरह से आपके पास रोज और कॉलम्स में डाटा रहता है, आपने टेबल फॉर्म में इस तरह से देखा। मान लो मैं स्टूडेंट्स की डाटा की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स की डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो बच्चे का रोल नंबर आएगा, बच्चे का नाम आएगा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उसकी, जो जो अकॉर्डिंगली इसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं, ये सब चीजें। बच्चे का आईडी, बच्चे का रोल नंबर होगा सबसे पहले, स्टूडेंट का रोल नंबर कितना, मान लो 52317, इस तरह से स्टूडेंट का नाम होगा, नेम, नेम भी स्टूडेंट का नाम है, मान लो पंकज। उसके बाद उस बच्चे की क्लास होगी कि वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, क्या वो 10th का है, क्या वो 12th का है। अब उसके जो मार्क्स हैं, उसकी पोजीशन है, उसका रिजल्ट का स्टेटस आपने रोल नंबर भी लिख दिया उसकी, ये अगर और कोई फील्ड चेक करनी है आपने, तो एनुअल बाय एनुअल देखना है, उसके मार्क्स कितने हैं, एनुअल है कि सेशन कौन सा है, सेशन हो सकता है 2020 लिखा हो, और उसके मार्क्स कितने हैं, 2, 5, 6 मार्क्स। आप देख रहे हैं कि इस तरह से डाटाबेस आपके सामने आएगा, जैसे ही आप रिजल्ट देखना चाह रहे हो कि आपके पास इतने हजारों स्टूडेंट्स थे, उस हजारों स्टूडेंट में से आपने डाटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इट इज नथिंग अबाउट SQL में जिस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो डिफरेंट टेबल्स में डाटा आपको दिखता है, उसमें किसी रो को हटाना हो, किसी रो को अपडेट करना हो, किसी रो को में ऐड करना हो, ये सब काम जो करने होंगे तो SQL के द्वारा किए जाते हैं, Oracle के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक ही एग्जांपल दे दी जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स कहा जाता था, दीज आर दी फील्ड्स, ये फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये रोज हैं जिनको टपल भी बोला जाता है। तो इस रो को डिलीट करना है, नया डालना है, नया बनाना है या चेंज करना है, ये सब चीजें करनी है, तो आपको SQL की कमांड्स से होके गुजरना पड़ेगा। SQL में कुछ मेन कमांड्स होती हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप ये देखें स्टूडेंट्स कि SQL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, किस तरह से आप इनको यूज करते हैं, आपको फ्यूचर में भी इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिलहाल आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने यूज करेंगे। जो भी बैक एंड या कहीं पर प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, किसी ऑफिस में वर्क करेगा, तो आपको SQL से होके निकलना पड़ेगा। SQL में बेसिकली 3 टाइप्स की कमांड्स रहती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन SQL। नंबर 1 इज
डीडीएल, आपने भी देखा था डीडीएल, तो डीडीएल के नाम लिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि डीडीएल मींस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन नंबर टू इज डीएमएल, डीएमएल मींस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नंबर थ्री इज टीसीएल, इन तीनों के बारे में आप देखेंगे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इन चीजों के बारे में आप देखेंगे। अब हम आज सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि डीडीएल में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो जो कमांड्स इस्तेमाल होती हैं बेसिकली वो कौन सी कमांड्स हैं, उन कमांड्स को किस तरह से यूज किया जाता है डाटाबेस में, ताकि डाटाबेस में आप उन कमांड्स को इस्तेमाल करके वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो, किसी को डिलीट करवा सकते हो। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, तो डीडीएल जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली अगेन क्लासिफाइड इनटू सम वेरियस कमांड्स, जिसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज होगी एक एक कमांड्स को हम देखेंगे। इसमें जो नंबर वन पे आओगे देखें आप तो क्रिएट टेबल, ये कैपिटल में रहेगा, क्रिएट टेबल ये कमांड है जिस कमांड को यूज करना पड़ेगा, इसके साथ ही यूज होती है क्रिएट कर्सर, नंबर टू पे अल्टर कमांड, अल्टर कमांड यूज होती है आप जिसमें अल्टर मॉडिफिकेशन करते हो, और अल्टर के बाद इसमें यूज होगी ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप अल्टर क्रिएट और क्रिएट कर्सर और क्रिएट टेबल, इस तरह की ये जो कमांड्स हैं डीडीएल सपोर्ट करता है। दैट मींस डीडीएल के अंदर आपको इन कमांड से होकर निकलना पड़ेगा, जो जो चीजें इसमें होंगी इनका सिंटेक्स है क्या, हर कमांड्स को किस तरह से लिखा जाता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट की क्रिएट टेबल कमांड को किस तरह से यूज किया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिएट टेबल कमांड यूज कहां होती है, किसके लिए होती है, हर कमांड्स को वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी टेबल, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी टेबल, खाली टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस में जो भी चीज, डेटाबेस में अगर आपने कोई रोज या कॉलम्स में कोई एंट्री करनी है, वहां पे लगाना है, तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है डेटाबेस का टेबल, डेटाबेस का ब्लैंक टेबल आपके पास होगा, कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, वो आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट आपके पास एक ब्लैंक एम्प्टी टेबल चाहिए ताकि आप डाटा को एंटर कर सको, उसमें कौन कौन से कॉलम्स में फील्ड्स डालो, इस फील्ड में क्या नाम होना चाहिए, इस वाले फील्ड का क्या नाम होना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट टेबल बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट की पेरेंटेज आ सकती है, एड्रेस आ सकती है, डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, क्लास आ सकती है, इसी तरह से अगर आप एम्प्लॉय टेबल बनाना चाहते हो तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आएगी, वट एवर जो भी चीजें आपने करनी है तो आपका जो क्रिएट कमांड है वो यूज होगी किसके लिए, एम्प्टी टेबल को बनाने के लिए। सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस कमांड, इस कमांड को यूज करने का सिंटेक्स क्या है, आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल के बाद आप लिखेंगे टेबल नेम, उस टेबल का नाम लिखेंगे,
टेबल का नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम आपको बताया गया है कि इसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉलम नेम, कॉलम नेम के बाद आपने क्या किया, आप डाटा टाइप मेंशन कर रहे हो, आपने कॉलम नेम में डाटा टाइप कौन सा लेना है, क्या वो कैरेक्टर में होगा, क्या वो स्ट्रिंग में है, क्या वो इंटीजर में है, क्या आप किसी का टेक्स्ट लिखना चाहते हो, क्या आप किसी का रोल नंबर लिखना चाहते हो, जो भी चीजें आपने डाटाबेस में मेंशन करनी है तो ये डिपेंड करता है इसके बाद। तो इसके बाद आप देखेंगे कि कॉलम नेम में फिर से डाटा टाइप और डाटा साइज का भी मेंशन कर सकते हो कि डाटा साइज कौन सा रखना चाहते हो, कितना साइज लेना है आपने, दैट मींस आपका जो कॉलम है तो आपका जो एट्रीब्यूट है वो कितना लेंथी होना चाहिए। आपने रूल्स तो रेगुलेशन तो देखे ही हैं कि एक जो कैरेक्टर है, जो इंटीजर है, जो स्ट्रिंग है, कितनी लंबी तक लिखी जा सकती है, उसमें कितनी सीमा है, कितनी लिमिटेशन है उसको लिखने की। तो आप देख रहे हैं कि सिंटैक्स इसका क्रिएट कमांड का इस तरह से है। क्रिएट कमांड का मतलब होता क्या है कि क्रिएट कमांड डाटाबेस में यूज होती है टू क्रिएट एम्प्टी टेबल। आप इससे एम्प्टी टेबल को बना सकते हो और इस तरह का कमांड को यूज करके आप इसका टेबल में इसका इस्तेमाल करोगे। क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल और क्रिएट कर्सर में कमांड में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रिएट कर्सर इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी टेबल, ये भी एम्प्टी टेबल बनाने के ही काम आता है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्रिएट कर्सर दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी टेबल बनाने के ही इस्तेमाल आता है, बट एम्प्टी टेबल के साथ एक चीज यह है कि इट स्टोर्स डाटा टेंपरेरली। इट एग्जिस्ट, ये तब तक ही एग्जिस्ट होता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी है तो उसी समय होना है। अगर आप इसकी सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स आपका इसी तरह से यूज होगा, यू हैव टू क्रिएट कर्सर, टेबल का नाम लिख लें, टेबल नेम लिखने के बाद कॉलम, कॉलम नेम दे दें और डाटा टाइप ले लो। कौन सा डाटा टाइप आप ले रहे हो, इसी तरह से आप इसका डाटा साइज भी दे सकते हो, जो भी चीज करनी है। इट इज अ सिंटैक्स फॉर यूजिंग क्रिएट कर्सर कमांड। नाउ क्रिएट कर्सर के साथ ही हमें ऑल्टर और ड्रॉप को भी चेक करना है। ऑल्टर और ड्रॉप से पहले देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग दी टेबल। टेबल के नाम, टेबल को नाम देने के लिए कुछ रूल्स हमारे यूज होते हैं, वो कौन कौन से यूज होते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग दी टेबल,
सो स्टूडेंट्स आप कई बार रूल पढ़ चुके हैं, विजुअल बेसिक में डेटाबेस में भी पढ़ चुके हैं, वही कुछ रूल्स हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपको एसक्यूएल में मेंशन करने पड़ते हैं, बेसिकली चार किस्म के वो रूल हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो। रूल्स फॉर नेमिंग द टेबल, टेबल का अगर आपको नाम लिखना है, क्योंकि आप टेबल का नाम हर सिंटेक्स में लिख रहे हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल को का नाम देने के लिए रूल्स का पता हो। नंबर वन रूल जो इसमें यूज होता है, उस नंबर वन रूल में आपके पास जो भी एसक्यूएल के रिजर्व वर्ड होते हैं उनको यूज आप नहीं कर सकते हो। दैट मींस इट कैन नॉट यूज द एसक्यूएल रिजर्व वर्ड। आपके पास एग्जिट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एसक्यूएल के रिजर्व वर्ड्स हैं, जो रिजर्व किए गए हैं एसक्यूएल के कमांड्स के लिए, तो उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो टेबल के नाम के लिए। इट कैन नॉट कॉट यूज एसक्यूएल रिजर्व वर्ड्स। जो एसक्यूएल के रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप इसमें नहीं ले सकते हो। नंबर टू कौन सा रूल इसमें और करना पड़ेगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा कि जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम है मस्ट बी और मस्ट बिगिन विद टेबल नेम मस्ट बिगिन विद कैरेक्टर्स A to Z, चाहे वो कैपिटल हो, और A to Z, चाहे वो स्मॉल हो। A to Z कैपिटल में या A से लेकर Z तक जो भी कैरेक्टर्स आपके पास आते हैं स्मॉल में हो उनसे स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड इट कंटेन, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। इट कंटेन करेक्टर आ सकते हैं इसमें, नंबर्स आ सकते हैं, एंड अंडरस्कोर। हमने पहले भी देखा था कि अंडरस्कोर जो है एक्सेप्ट और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो हम नहीं यूज करते हैं कोई भी, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसक्यूएल की क्वेरी को लिखने के लिए। फोर्थ वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन इट कैन नॉट और इट टेबल नेम, जो टेबल नेम आप लिखो कभी भी, टेबल नेम कैन नॉट बी कॉन्ट बी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता है, मीन्स नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। आप ऐसा टेबल नेम नहीं दे सकते जो ऑलरेडी टेबल नेम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ किसी ने, उसी टेबल नेम को आप रिपीटेडली बार बार देते जा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लेगा, नो। आपका जो टेबल नेम है वो डुप्लीकेट होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स एक बार पहले नहीं दिया होना चाहिए, हर बार नया होना चाहिए। तो अगर आप टेबल नेम ऐसे इस तरह से दोगे तो वो नहीं होगा, इसलिए टेबल नेम आपका नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। दीज आर सम रूल्स फॉर नेमिंग द टेबल। इसमें कुछ आपके पास कैरेक्टर्स जो रूल्स के साथ ही कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप डिस्कस करते हो, जिसमें आपके पास टाइप्स रहती है इसकी, डाटा टाइप्स, मैं वो भी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा इसके नेक्स्ट कमांड लेने से पहले। डाटा टाइप्स आपके यूज होते हैं, कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं, सिंपल डाटा टाइप आपको पता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर आप ले रहे हो, कौन सा सिंबल ले रहे हो, उसकी कितनी लेंथ है, कितनी लिमिटेशंस है। तो डाटा टाइप में इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कैर वेक्टर होता है, वेर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर वी ए आर और सी एच ए आर। वेर कैर यूज होता है जिसकी जो विड्थ है वो हमेशा 2000 कैरेक्टर तक ही होनी चाहिए, अप टू 2000 कैरेक्टर, 2000 कैरेक्टर तक ही होनी चाहिए, ये फर्स्ट यूज करते हैं।
उसके बाद सेकंड में आप कैरेक्टर की विड्थ देखें ओनली सी एच कैरेक्टर, इसकी जो विड्थ होगी वो एक से लेकर 255 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। नंबर थ्री इसमें यूज होता है नंबर, अगर आप नंबर ले रहे हो तो नंबर शुड बी 1 to 38 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 to 38 सिग्निफिकेंट डिजिट। नंबर फोर्थ इज जिसमें डेट मेंशन की जाती है, जो इसमें डेट आती है पूरी से बता देते हैं, डेट जो रहती है इसमें डेट मेंशन थोड़ी सी दूसरे से डिफरेंट है, जिसमें आपके पास 31st फर्स्ट कर जेन से लेकर जेन वन ऐसे लिख सकते हो, जेन वन 4712 बीसी इस समय से लेकर बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी तक, ये कब तक चलेगा 31st दिसंबर 31st दिसंबर वही 4712 AD यहां तक एक्सप्लेन है अभी तक आप, दैट मींस 4712 AD तक लिख सकते हो इसको। इसके साथ आपके पास बुलीन है, बुलीन का आपको पता है कि बुलीन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू रहती है, बुलियन में ट्रू वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और फॉल्स वैल्यू को, तो इस तरह के डाटा टाइप्स भी इसमें स्टोर किए जा सकते हैं जो हम कमांड्स यूज कर रहे हैं, कमांड्स के साथ ही आपको बताया है। तो हमने फर्स्ट कमांड की क्रिएट कर्सर, क्रिएट टेबल, क्रिएट कर्सर, उसके बाद आपके पास थी अल्टर, अल्टर में आपने क्या किया करना है, अल्टर मींस मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई, तो अल्टर कमांड आपकी यूज होगी टू मॉडिफाई दी टेबल, टेबल में कोई भी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, दीज आर द सम रूल्स एंड डाटा टाइप्स। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स जो रहती हैं, उन कमांड्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड है। तो कमांड हमारे पास है, थर्ड वाली कमांड थी जिसमें आप कर रहे थे ऑल्टर, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड आपके नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्टर मीन्स मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन हम कहते हैं कि ऑल्टरेशन कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन मीन्स, alter command is used to, or this command is used to modify the table, आपको किसी किस्म की रो या कॉलम में मॉडिफिकेशन लानी है तो alter command का इस्तेमाल करेंगे, modify the table content। सिंटेक्स ऑफ दिस कमांड कि आप इस कमांड को किस वे में, किस तरह से यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम में, तो आपके पास सबसे पहले आपने वही लिखना है जो आपका सिंटेक्स ये कमांड है, दैट इज अल्टर, अल्टर के बाद यू हैव टू गिव ए टेबल नेम, किस मॉडिफिकेशन करनी है तो टेबल का नाम तो देना है कि किस जगह पे होगी, टेबल नेम, जब टेबल नेम दे दिया तो आप पर्टिकुलरली अगर चाहो तो कॉलम भी दे सकते हो, कॉलम नेम, ये कॉलम किस पर्टिकुलरली कॉलम में चेंज करना चाहते हो, कॉलम नेम, तो जहां पे आपको चेंज करनी होगी, इन दिस वे यू हैव टू चेंज द कंटेंट ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड के बाद हमारी फोर्थ वाली कमांड जो यूज होती है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप, ड्रॉप मींस डिलीट, आपको किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो आपके पास ड्रॉप कमांड यूज होती है, जो ड्रॉप कमांड आप इस्तेमाल करते हैं टू डिलीट द कंटेंट फ्रॉम द टेबल, डिलीट एनी रो कॉलम फ्रॉम द टेबल। फोर्थ वन जो हम आज ओनली सारी की सारी डीटीएल की कमांड्स को डिस्कस किया हमने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो फोर्थ कमांड थी हमारी ड्रॉप।
स्टूडेंट्स ड्रॉप कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल। आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हो, किसी रो या एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो, कॉलम डिलीट दी टेबल कॉलम इन द डाटाबेस। डाटाबेस में जब भी आपको इस तरह से कोई डिलीशन करनी होगी तो आप यूज करेंगे, इसका सिंटेक्स आपके पास रहेगा, आपने कमांड टूल्स लिखनी है ड्रॉप DROP ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड आप किस टेबल में लगाना चाहते हो, टेबल का नाम देना है। टेबल के नाम देने के बाद अगर आप पूरे टेबल को भी डिलीट करना चाहते हो तो इट्स ओके, अगर आप पर्टिकुलरली कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो कॉलम नेम भी दे सकते हो, जो भी सिंटैक्स करोगे, बट आपका ड्रॉप कमांड यूज होगा टेबल को या टेबल के कॉलम्स को या उसके रो के डाटा को डिलीट करने के लिए डाटाबेस में से। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा जो कुछ बेसिक चीजें आज थी जिसमें एसक्यूएल की कमांड्स हमने देखी। एसक्यूएल की कमांड्स आपकी यूज कर रहे हैं हम, एसक्यूएल की वैसे तो थ्री देखना है आपने, एसक्यूएल में आपने देखना है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद DML देखना है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और TCL देखना है, इन सभी की कमांड्स को डिस्कस करना है। बट आज हमने DDL की जो कमांड्स हैं उनको देखा, DDL की कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, DDL में तीन चार तरह की कमांड्स होती हैं, जिसमें क्रिएट टेबल होता है, क्रिएट कर्सर होता है, ये होगी दो कमांड्स, उसके बाद क्रिएट कर्सर भी कर दिया, टेबल भी कर दिया, क्रिएट टेबल और कर्सर करने के बाद आपने ड्रॉप का इस्तेमाल किया और ऑल्टर का इस्तेमाल किया, ऑल्टर मींस मॉडिफिकेशन, और कुछ रूल्स देखे हमने, ऑल्टरेशन भी कर दी, डिलीशन भी कर दी, और कुछ रूल्स देखे जिन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है फॉर नेमिंग दी टेबल नेम, टेबल का नाम लिखना होगा तो वहां पे हमने इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस टेबल का नाम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स को, और उसमें आपके साथ पास जो डाटा टाइप है वो कौन कौन सा डाटा टाइप है जिसको हम यूज कर सकते हैं, डाटा टाइप को उस डाटा टाइप को इस्तेमाल किया जाता है इस जो कॉन्टेंट्स को चलाने के लिए, इस कॉन्टेंट में को डिस्क्राइब करने के लिए कि आपने किस लिमिट में वो जो डाटा टाइप लिया है, कितनी लिमिट्स है उसकी, कहाँ तक उसमें कैरेक्टर आ सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसमें हमने DML पे आना है कि जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसमें कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, उन सारी कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं पे भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो और इस मोबाइल नंबर पे मेंशन कर सकते हो, इस पे 9906342330। और किसी टॉपिक में कहीं पे आपको लग रहा है कि हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, ये कंटेंट हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इस नंबर पे आप लिखें या तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक में जरूर आप डाल दें कि हमें इस टॉपिक को दोबारा से क्लियर करवाया जाए, कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, समझ नहीं आई है, तो मैं उस टॉपिक को फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप तब तक इस कंटेंट को अच्छे से समझें, तब तक के लिए धन्यवाद।